मंच पर उपस्थित यूनाइटेड इंडिया का लीडरशिप और हमारे सामने असंख्य संख्या में यहाँ उपस्थित यूनाइटेड इंडिया के लोग, मैं ममता जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज के इस रैली में या राला में मुझे भी आमंत्रित किया और दो शब्द कहने का मौका दिया। हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं? ये देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को जो आज आप मंच पर देख रहे हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों आए हैं? हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी आज की इस रैली के बाद। वो ये कहेंगे कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है उसको हटाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक सोच का, एक विचारधारा की, और हम उस सोच और उस विचारधारा के विरोध में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए। आज कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है इस देश में जिसको कि इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी हो। और इसलिए देश में प्रजातंत्र की, लोकशाही की रक्षा करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा हैं। और हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं, और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। देश में लोकशाही खतरे में है, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है, ये पहली सरकार है भारत देश में स्वतंत्रता के बाद जो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। हम सब लोग सरकार में रहे, कभी अच्छे आंकड़े आए, कभी उतने अच्छे आंकड़े नहीं आए, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि आंकड़ों को सजा के, बढ़ा के, चढ़ा के पेश करो। ये पहली सरकार है जो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और आपको भुलावे में रखने का प्रयास कर रही है। आप सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और आप जानते हैं कि जमीन पर क्या स्थिति है। उसके अलावा समाज को तोड़ने का, देश को छिन्न भिन्न करने का इनका इरादा है। आप जानते हैं कि आप इस सरकार का अगर विरोध करते हैं तो तुरंत ये कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। जैसे सरकार की चापलूसी करना देश प्रेम है और उसका विरोध करना देशद्रोह है। यहां फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, मैं कई बार कश्मीर गया, उनसे बातचीत हुई कश्मीर के बारे में, और हमने क्या कहा? हमने कहा कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर का जो मुद्दा है उसका समाधान बंदूक की गोली से नहीं होगा, उसका समाधान प्यार की बोली से होगा। प्यार के दो शब्द बोलो और देखो उसका कितना असर पड़ता है। तो पहले तो हमें देशद्रोही कहा गया,
और उसके बाद ये कहा गया कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं। आप बताइए, अगर प्यार की बोली की बात करना पाकिस्तान का एजेंसी है, एजेंट है, तो फिर क्या बचा इस देश। मैंने कहा आपसे कि देश आज एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, और मैं यहां मंच पर जितने हमारे ताकतवर नेता बैठे हैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा। मैं तो खुद अब फकीरी की ओर हूं, मुझे अब अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक उद्देश्य है, एक लड़ाई बाकी है, और वो लड़ाई है इस सरकार को जिसकी सोच इतनी गलत है उसको हम लोग सरकार से बाहर करें। और इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है आज के दिन कि मंच पर जितने हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं वो ये सुनिश्चित करें, तय करें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने हमारी तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा होगा, एक उम्मीदवार। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा पूरे देश में। ये मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसको तरजीह देंगे और हम आने वाले दिनों में एकजुट होकर, जैसे आज यहां मंच पर हैं, हम एकजुट होकर ये आने वाला चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को बाहर करेंगे। वो नारा उन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज 5 साल के बाद हम देख रहे हैं सबका साथ तो उन्होंने लिया लेकिन विकास के बदले उन्होंने सबका नाश किया, और इसलिए देश को बचाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।